मैं यूथ को लेके बात करूंगा, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो युवा भाई हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, गरीब घराने से लोग हैं जो इतनी मेहनत करके, कोई जम्मू में पढ़ रहा है, मैं कहूंगा कोई यहाँ सराज है जैसे सराज से उठ के कोई जम्मू में है, कोई दिल्ली में है, कोई डोडा से उठ के, कोई किश्तवाड़ से उठ के, कोई कश्मीर से उठ के, कोई जम्मू से कठुआ से उठ के कहीं बाहर जा जाके कोचिंग करते हैं, और उनके माँ बाप जो इतने गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये मैं कहूंगा इसलिए पढ़ाते हैं कि वो उनका बच्चा कहीं अच्छी जगह पे रोजगार मिले, नौकरी लग जाए। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो युवा है हमारा, आप देखिए कुछ ही दिन पहले जो ये सर्विस सिलेक्शन का घोटाला एक मैं कहूंगा सामने आया था, जो कुछ पोस्टों को लेके और रेड्स भी हुए थे, सीबीआई रेड्स हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही है कि सरकार उन चीजों को क्यों नहीं सामने ला रही है कि जो लोग दोषी हैं उनको ओपन करना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए कि ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने पेपर लीक किए हुए हैं। आप देखिए कि मुझे समझ नहीं, जैसे अभी कुछ दिन फॉरेस्ट का पेपर का हमने मैंने सुना था कि फॉरेस्ट पेपर भी लीक हुआ था, तो मेरे कहने का मतलब ये है कुछ जेके सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो लीक हुआ था, जेई का एग्जाम जो लीक हुआ था, तो उसमें जो स्पेशल लोग चुन के उस नौकरियां उनको दी जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे नौजवानों को जहर दिया जा रहा है, क्योंकि गरीब लोग हैं इतनी मेहनत करके, बच्चे सोचते हैं कि हमारा घर चलाएंगे हम, अपना रोजगार कमाएंगे, माँ बाप अपनी फैमिली को आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगे, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे करप्शन होती है, और कुछ जो करप्ट बंदे हैं वो करप्शन करके पेपर लीक करके और ऐसे सिलेक्टेड लोगों को यहाँ नौकरियां देते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे क्लियर हमें बता रही है कि कौन लोग दोषी हैं, और इस एग्जाम को क्यों नहीं स्क्रैप किया जा रहा है। ये जितनी भी पोस्टें हैं मैं कहूंगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की निकली हैं या बीएससी की निकली हुई हैं, उसको सबको स्क्रैप करना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें देखिए हम निकली थी, उसमें भी घोटाला है, मैं ये कहूंगा उसको भी होल्ड किया जा रहा है, और केएस के एग्जाम दिए हुए हैं कई लोगों ने, उसको क्यों दो दो तीन तीन साल चार चार साल इन्होंने डिले रखते हैं और उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ घोटाला होता है, कुछ ना कुछ मैं कहूंगा करप्शन होती है, तभी डिले किया जा रहा है। और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी यूथ जो है वो कहां जाएगी, किसके पास जाएगी, ये तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है। आप देखिए 2016 में भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मैं कहूंगा घोटाला हुआ था, तो इसको सरकार को देखना चाहिए, गवर्नमेंट का एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए कि ये जो रेड्स कर रहे हैं इसको ओपन लाना चाहिए यूथ के आगे, क्योंकि यूथ ही हमारा फ्यूचर है। मैं भी एक यूथ हूं, मैं भी बात करूंगा, क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि मैं जब देखता हूं कि बच्चे रोड़ों में बैठे हुए हैं, कभी देखिए ये मैं कहूंगा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो या फॉरेस्ट के एग्जाम हो या और भी कोई अदर एग्जाम हो, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इसमें दोषी है चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन हो, मैं कहूंगा सेक्रेटरी हो, मेंबर हो, एवरीवन कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सरकार ने सामने लाना चाहिए, युवाओं के सामने, लोगों के सामने लाना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट इतनी करप्शन फ्री कर रही है जम्मू कश्मीर को, तो मुझे समझ नहीं आती है। एलजी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि सर आप इसको पर्सनली देखिए, आपने कुछ ही दिन पहले मैंने देखा ये पोस्ट जो एग्जाम हो स्क्रैप कर दिया आपने, मगर आप क्यों नहीं देख रहे हैं इसको, लाइए आप, ऐसी ही करप्शन चलती रहेगी फिर, यहां मुझे बताइए करप्शन फ्री कहां हुआ जम्मू कश्मीर, और युवा को क्यों गुमराह किया जा रहा है, बड़े दुखित बात है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, हमारे आने वाले भाइयों बहनों का फ्यूचर की बात है, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए कि ऐसा जहर मत दे हमारी यूथ को, और गलत सोसाइटी की तरफ हमारी यूथ जो है वो उस तरफ तवज्जा दे। अगर गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं कहूंगा एलजी साहब से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से मनोज सिन्हा जी से, कि वो पर्सनली इंटरवीन करे इसमें और इसको देखे पूरे माजरे को, ये माजरा क्या है, अगर जो दोषी है चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन है या कोई पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व है, तो उनको नंगा किया जाए, वो सारे देश के सामने उनको सामने लाया जाए।